17 साल से कायम है सुरेश रैना का महारिकॉर्ड, विराट, रोहित, सूर्य कुमार, हार्दिक, कोई नहीं कर पाया ऐसा। सुरेश रैना ने T20 वर्ल्ड कप 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाया था, लेकिन सुरेश रैना के अलावा कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में शतक नहीं लगा पाया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 2 जून से हो रहा है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए वेस्टइंडीज और अमेरिका तैयार है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप पहली बार 2007 में खेला गया था, लेकिन क्या आप जानते हैं अब तक महज एकमात्र भारतीय बल्लेबाज ने T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने का कारनामा किया है। सुरेश रैना ने तकरीबन 14 साल पहले T20 वर्ल्ड कप 2010 में शतक बनाया। इस बल्लेबाज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बनाया था, लेकिन सुरेश रैना के अलावा कोई अन्य भारतीय बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में शतक नहीं लगा पाया है। जब सुरेश रैना ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था कारनामा, T20 वर्ल्ड कप 2010 का वह मैच सेंट लूसिया में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रनों का स्कोर बनाया। भारत के लिए सुरेश रैना ने सबसे ज्यादा 60 गेंदों पर 101 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के जड़े। इस तरह सुरेश रैना T20 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। बहरहाल T20 वर्ल्ड कप 2010 के तकरीबन 14 साल बीत गए, लेकिन कोई अन्य बल्लेबाज यह कारनामा दोहराने में नाकाम रहा। T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों ने अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन शतक बनाने में नाकाम रहे हैं। भारत के लिए वर्ल्ड कप में इन बल्लेबाजों ने बनाए थे खूब रन। वहीं T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त में विराट कोहली टॉप पर है। अब तक T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली 1141 रन बना चुके हैं। इसके बाद रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में 963 रन बनाए हैं। बताते चले कि रोहित शर्मा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप 2017 से अब तक खेल रहे हैं। भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप 2007 अपने नाम किया था। उस भारतीय टीम का हिस्सा रोहित शर्मा थे।